गुड इवनिंग सर। हाय हाय, सर मुझे कैसे हैं आप? स्वागत सर आप कैसे हैं? है। एकदम बढ़िया, आप बताइए। सर मैं भी एकदम अच्छा हूँ। रेडियो रोडा 1074 की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। दोस्तों थैंक यू सो मच। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। इन्होंने केवल मिर्जापुर वेब सीरीज ही में नहीं काम किया, इन्होंने इसके अलावा पीके मूवी के अंदर, शूट आउट एट वडाला मूवी के अंदर, जोधा अकबर मूवी के अंदर और भी काफी सारी मूवीज के अंदर काम किया। लेकिन इनको जो नाम मिला है मकबूल का, वो मिला है इनको मिर्जापुर वेब सीरीज से। हम लोग इनको मिर्जापुर वेब सीरीज से जाने लगे हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब एक एक्टर को किसी कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है तो वो उसके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है? एक एक्टर के लिए अगर उसको एक कैरेक्टर के नाम से जानो तो उससे बड़ी उसके लिए कोई खुशी नहीं है, क्योंकि वो जी वही सर। पहचान करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है कि हाँ वो कुछ ऐसा कैरेक्टर करे, ऐसा कोई रोल उसको मिले जिसके नाम से उसको जाने, जी उससे सर बड़ी उसकी। जी सर। सर आप राजस्थान के टोंक जिले से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप उस लड़के की हमें कहानी बताइए जो बिल्कुल छोटे शहर से ताल्लुकात रखते हो भी मुंबई जैसी माया नगरी में अपनी कदम जमा सका, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, अगर हौसला अंदर हो और एक जज्बा हो काम करने का, ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन काम, छोटे गांव से हो चाहे कोई छोटे शहर से, जज्बा होता है एक लगन, करने की जो चाह होती है वो आदमी को कहीं भी ले जाती है और कहीं कुछ भी। तो ये कोई बड़ी बात, मैं एक छोटा गाँव में पैदा हुआ और बॉम्बे काम किया, तो ये तो कोई भी कर सकता है, एक लगन और जज्बे की बात है जी पूरी ये। बिल्कुल सर। जी सर आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी? आपने थिएटर किया था या फिर कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, इसके बारे में बताइए हमें। एक्चुअली एक्टिंग तो मैंने काम करके ही सीखी, थिएटर ओके मेरा दुर्भाग्य किया ही नहीं कभी। मैं बॉम्बे गया था मॉडलिंग के लिए ओके सर और दोस्त भी किए हैं रैम शोज वगैरह में। स्टार्टिंग में मैंने, मेरा करियर वही था कि ओके सर जब मैंने स्टार्ट किया था मॉडलिंग से, थोड़ा बहुत कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे वो एक्टिंग में थे तो उनके साथ बैठता था, तो वो एक्टिंग के बातें होती थी। फिर मैं बॉम्बे चला गया, राजस्थान जयपुर में शोज किए, दिल्ली किए, बट उनकी कोई वहां बहुत की कोई वर्थ नहीं, जी सर। राजस्थान किया उसका कोई वैल्यू नहीं है। वहां से वापस फिर स्टार्टिंग सब कुछ चीजें शुरू करनी पड़ती है कि हाँ अभी यहीं आता रह के आप बेस तैयार करो। वहां जाके मैंने कुछ शो, 2 साल 3 साल मैंने मॉडलिंग में काम किया, फिर लगा कि मॉडलिंग लंबा करियर नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता, मॉडलिंग बिलो 30 आता है मामला, मतलब 20 21 साल से स्टार्ट होकर 3 साल की तक मॉडलिंग। मॉडल्स जो होते हैं वो इसी एज के होते हैं, तो अगर आपको लॉन्ग लाइफ जाना है आपको एक्टिंग में जाना पड़ेगा। देखा जाए तो सिमिलर ही था, एक ही ग्लैमर फील्ड था कि मॉडल होते हैं, मॉडल भी एक्टर होते हैं, वो सारी चीजें वही एक साथ ही होती है, तो सारा ग्रुप वैसा बना, सारे दोस्त वैसे बने। ये मैं एक्टिंग में, पहला सीरियल था मेरा डीडी, आपको दो अपना हजार पहला जी जी सर जी, आपको अपना पहला ब्रेक किसे मिला? किस किस मूवी के अंदर आपको पहला ब्रेक मिला? मूवी मेरी पहली थी जोधा अकबर, ओके सर। एक एक और फिल्म की थी मैंने, छोटी फिल्म थी वो, कंपनी की फिल्म थी, उसने बेवफा, ओके वो सर शायद रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन जो रिलीज हुई और जो एक बड़ी फिल्म थी जिसको लोगों ने देखा सराहा, जिसमें मेरा काम थोड़ा सा नोटिस हुआ, जोधा अकबर 2006 में मुझे वो मिली, और 7 में हम लोगों ने कंप्लीट किया, और 2008 फरवरी में वो रिलीज हुई, 15 फरवरी 2000, वो पहला ब्रेक था मेरा उस, मैंने प्ले किया था आदम का। लेकिन सर उस मूवी का आपके खुद के स्टेट राजस्थान में बहुत विरोध किया गया था, शायद वो रिलीज भी नहीं हुई थी मूवी सर, उसके बारे में आपने। जी गया था कि जोधा का कुछ अकबर हाँ के सर, साथ वो जोधा भाई की वजह से कुछ सीन बना था, इसकी वजह से वो राजस्थान में रिलीज नहीं हो पाई थी। जी सर राजस्थान, लेकिन फिर उसका विरोध किया तो कई बार सिनेमा हॉल वगैरह में कुछ तोड़फोड़ हुई हुई, तो उसके बाद में फिर बंदी किया उन्होंने। जी सर ऐसा कुछ है? आपका, हाँ सर ऐसा कुछ नहीं था, सबने वो मूवी देखी है, ऐसा कुछ उस मूवी के अंदर था नहीं। आपने इसके पहले टीवी सीरियल्स में भी काम किया हुआ है, हमने सुना है आपने शक्तिमान के अंदर सम्राट किल्विश का रोल निभाया हुआ है, सो शक्तिमान का सेकंड सीजन था। एक पहले वो आता था DD1 पे ही आता था, अधिकारी जी पुलिस सर का हेलो, वो मैंने किया। CID ऑफिसर एक आता था वो किया, CID जो सोनी पे आता था वो किया, काफी सीरियल्स किए, जी सर शनिदेव किया, विक्रम बेताल किया,
फिर और सुहानी एक स्टार प्लस पे आता था वो, देन फिर सुबह होगी एक आता था जी टीवी पे वो किया, फुलवा एक आता था कलर्स पे, काफी सीरियल्स किए। सर आपको मिर्जापुर वेब सीरीज के अंदर कैसे ब्रेक मिला, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है। बहुत बड़ी वेब सीरीज वो हो गई जिस, आप जिसे कलाकारों ने उसको एक बहुत बड़ा वेब सीरीज बनाया। एक्चुअली बहुत बड़ी कोई भी, चाहे वो फिल्म हो चाहे सीरियल हो चाहे वो वेब सीरीज हो चाहे शॉर्ट फिल्म हो, जब लोगों को अच्छी पसंद आती है और वो हिट बहुत जाता है, उससे पहले तो प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है जो हर डायरेक्टर को भी जो टीम होती है वो इक्वली मेहनत करते हैं सब लोग, तो रिलीज होने के बाद ऑडियंस को अच्छी लग जाती है, पसंद आ जाती है, तो फिर वो एक बड़ा जाता है। तो ये था कि जोधा अकबर में चीफ एडी थे तो मिर्जापुर के डायरेक्टर थे गुरमीत करके, जो मिर्जापुर के डायरेक्टर थे गुरु वो जोधा अकबर में चीफ एसोसिएट थे आशुतोष तिवारी कर सके, तो वो मुझे जानते भी थे, मेरा काम भी उन्होंने देखा था, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड ताजी नाम का एक बंदा है ये जो कैरेक्टर है उसका, एक तो मुझे तक नेटवर्क इशू है सर क्योंकि आपकी बफरिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ ओके अब ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी भी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही, शायद कुछ नेटवर्क इशू है किसी तरह से। नहीं सर आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही सर, कुछ नेटवर्क इशू है शायद। आप दिख रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर एक बार मैं आपको फिर से कनेक्ट करता हूं, शायद उससे हो जाए, मैं आपको एक बार फिर से कनेक्ट करता हूं। एक बार हमको उनको फिर से कनेक्ट करेंगे जिससे कि हमारे साथ जुड़ सके वो, उनको फिर से कनेक्ट। एक बार फिर से स्वागत सर आपका, इसी बार हमको एक बार फिर से स्वागत करने का मौका मिल गया इस कनेक्शन की वजह से। तो वैसे लुक टेस्ट हुआ और फिर वो डायरेक्शन से लेकर के सारी कास्टिंग टीम बैठ कर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। ओके सर, मिर्जापुर में काम करने का एक्सपीरियंस। हाँ सर अब आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है आवाज, लेकिन थोड़ा कट के आ रही है, लेकिन ठीक है हम समझ रहे हैं आपकी बातों को। हाँ। हम आपकी बातों को पूरी तरह समझ पा रहे हैं। मैं एक सेकंड में हेडफोन। हाँ सर आप अपना टाइम ले लीजिए, अपना टाइम। हाँ सर अपना टाइम ले लीजिए, अपना टाइम ले लीजिए। हमारी खुशकिस्मती है ये कि हम मिर्जापुर के एक अहम किरदार मकबूल खान से बात करने का मौका हमें मिला है। ऐसा मौका जो है हजारों में किसी एक को मिलता है। मकबूल जी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, आपको भी नमस्ते। नितिन जी आपको भी बहुत नमस्ते। काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, ये कमेंट्स देख रहे हैं, नहीं आ रही आवाज, अब आ जाएगी कुछ देर में आवाज आ जाएगी, मुझे भी नहीं आ रही, आपको भी आ जाएगी शुभम जी आवाज, आपको भी आ जाएगी। भाई भाई नेक्स्ट सीरीज कब आएगी, आ जाएगी वो भी आ जाएगी। सब सुपर ब्रो थैंक यू, को फिर से रिमूव करता हूं मैं, एक बार फिर से शायद कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि लोग काफी ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं इसकी वजह से शायद हो सकता है। अभी सब घरों ये भी एक रीजन है आई थिंक सो। तो आपका सवाल था मिर्जापुर। जी सर मिर्जापुर में काम करके कैसा लगा आपको इतनी मेगा बजट वेब सीरीज?
करण एक्चुअली यार मिर्जापुर तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है वो, और पूरी टीम बड़ी अच्छी है, और वो एक फैमिली जैसा हो गया वहां पे काम करके, क्योंकि एक तो बड़े लंबे टाइम तक शूटिंग की, 9 एपिसोड का शूट हम लोगों ने किया करीब 80-90 डेज, और मैं ऑलमोस्ट सारे एपिसोड में हूँ 1 से लेकर 9 तक। हेलो हेलो, हाँ तो मैं 1 से लेकर 9 एपिसोड तक हूँ, तो मेरे डेज भी ज्यादा लगे उसमें, तो सबके साथ ज्यादा टाइम रहने का मौका मिला, तो एक फैमिली जैसा हो गया। और मतलब वो पूरी टीम इतनी अल्टीमेट है, मतलब इतना अच्छा काम करते हैं वो सब लोग, हर इंसान अपने काम में मतलब पूरी तरह से निपुण है वो, तो बड़ा मजा आता है काम करके। डायरेक्टर ले लो, चाहे प्रोडक्शन टीम ले लो, चाहे सारे एक्टर ले लो, सब मजे हुए कलाकार थे सारे उसमें, जैसे पंकज जी है, अली फजल बहुत अच्छा एक्टर है, विक्रांत मैसी है, सारे अच्छे कलाकार है, तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। बहुत अच्छी कंपनी और बहुत इंटरेस्टिंग टीम है पूरी। तो सर आपने जो अपना किरदार मकबूल, उसको किस तरह से तैयार किया, आपने खुद को उस किरदार में कैसे डाला, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको एक दूसरे जॉनर से लेकर दूसरे जॉनर में जाने के लिए? हर एक्टर अपना एफर्ट तो लगाता ही, अपना 100% हर एक्टर देता है हर कैरेक्टर के लिए, बट वो जो डायरेक्टर है वो इतने कमाल के हैं कि मतलब वो सामने खड़े होकर ऐसा फील करा देते हैं कि नहीं तुम मकबूल हो, तुम ये समझ लो कि हाँ ये मकबूल तुम ही हो, तो वो मतलब इतना इजी हो जाता है उनके साथ काम करके, तो बहुत ज्यादा मुश्किल आई नहीं, थोड़ा सा अडप्ट करना पड़ता है जो जिस तरह से वो ब्रीफ करते हैं, और फिर सारी चीजें होती है कि वो काफी हेल्प करती है कि जैसे कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी जो होती है सेट पे उसको लेकर के भी आदमी काफी फील करता है, बट वो डायरेक्टर बहुत कमाल के हैं, वो पहुंचा देते हैं वहां। गुरमीत सर जो है वो इतने कमाल के डायरेक्टर हैं कि वो हर कैरेक्टर को वो अपने उस लेवल पे पहुंचा देते हैं। इस किरदार के लिए भी आपको ऑडिशन तो देने ही पड़े होंगे या फिर स्क्रीन टेस्ट भी आपको देने पड़े होंगे इस किरदार के लिए, मकबूल के लिए? हाँ, वो सबको करना पड़ता है वो। सर एक ये हमारे लोगों के बीच में गलत धारणा है कि जब एक कोई एक्टर फेमस हो जाता है या फिर उसकी काफी सारी मूवीज हिट हो जाती है तो उसको अगली मूवीज के लिए ऑडिशन नहीं देने पड़ते, ये धारणा किस हद तक गलत है ये बताइए आप। नहीं, ये वैसे ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगली मूवी के लिए, मतलब एक थोड़ा सा पॉपुलर हो जाता है या थोड़ा सा नोन हो जाता है, या जिसने नोन मतलब जिसने ज्यादा काम किया, तो उसने जो पिछला प्रीवियस जो काम किया है उसके बिहाफ पे लोग उसको जज कर लेते हैं कि हाँ नहीं यार ये अच्छा एक्टर है और उसने काफी काम किया है, वर्सेटाइल एक्टर है, कई तरह के शेड्स में काम किया है, तो ये कर लेगा, तो इसलिए कई बार ऑडिशन की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि इतना कुछ काम कर लेने के बाद आदमी लगा लेता है, उससे जज कर लेता है कि हाँ यार ये इन्होंने इतने हर तरह के रोल किए हैं, इतने टफ मुश्किल रोल किए हैं, तो ये तो आराम से इजीली कर लेंगे, तो फिर नहीं लगता कि ऑडिशन की जरूरत है। आपका पंकज त्रिपाठी सर के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम तो सिर्फ उन्हें केवल मूवीज के अंदर देखते हैं या फिर वेब सीरीज के अंदर देखते हैं, आप उनको निजी तौर पर भी जानते होंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम तो बहुत अल्टीमेट बंदे हैं वो यार, बहुत ही मतलब वो कमाल के हैं, उसके साथ साथ वो इंसान भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे हैं वो, बहुत ही स्वीट है वो, मेरे से शायद 1-2 साल छोटे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको बड़े भैया कह के बोलता हूँ, और बहुत मतलब सच में हमारा भाइयों जैसा ही रिलेशन है दोनों का। अभी 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 10-15 दिन पहले नॉर्मली मैंने एक दिन बात की फोन पे, ये लॉकडाउन के बाद ही हमारी बात हुई फोन पे, तो मेरे क्योंकि करीब 1-1.5 महीने बाद हमारी बात हुई, तो सडनली मेरे मुंह से निकल गया कि अरे सर कैसे हो, बोला अरे तुम सर बोलोगे मेरे को, मैंने कहा क्यों नहीं बोलूंगा सर, बोला तुम सेट पे क्या बोलते थे, मैंने कहा कालीन भैया, तो बोला कालीन भैया क्यों नहीं बोलोगे, तो बोला कालीन भैया क्यों नहीं बोलोगे, तो वो वैसे उस तरह के है बंदे, वो मतलब ऐसा है उनका नेचर भी, बहुत कूल है, बहुत डाउन टू अर्थ है, सिंपल है, और मुझे तो रियली एक भाई की तरह ट्रीट करते हैं वो, ये काफी अच्छी बात है, इतना बड़ा एक्टर होने के बावजूद भी वो आपको एक भाई की तरह जी, वो बहुत अच्छी, वो उनकी क्वालिटीज हैं, और मेरे से कोई सेट पे गलतियां भी होती है या थोड़ा सा कैरेक्टर में भी मैं थोड़ा सा अप डाउन हो जाता हूँ, तो ठीक कर देते हैं मुझे कि नहीं शायद भी आपने काफी सारा कुछ सीखा होगा उनसे, एक्टिंग से रिलेटेड बहुत बहुत कुछ उनसे, तो मतलब एक्टिंग के अलावा भी आप सेट बिहाइंड द सेट भी आप थोड़ी देर वैनिटी में भी बैठेंगे तो वो ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं जो सीखने को मिलती है उनसे, बहुत अच्छी 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 बातें करते हैं वो, मतलब ज्ञान का भंडार है यार, रियली ज्ञान का भंडार है वो, हाँ वो सुपर है।
सर इस लॉकडाउन के अंदर हाँ सर आप पहले आप बोलिए सर आप जी सर आप बताइए मेरा तो ज्यादातर काम उनके साथ ही है तो ज्यादा उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड किया मैंने सेट पे भी हाँ सर उनके राइट हैंड दूसरे के साथ ही रहते थे जी हाँ सर उनके राइट हैंड थे मकबूल जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है किसी को भी मारने के लिए तैयार रहता है किसी भी उठाने के लिए कोई सर एक फेमस डायलॉग बताइए मकबूल मकबूल जो कैरेक्टर है पूरी सीरीज में आप देखेंगे तो एक ही ईमानदार कैरेक्टर जो मकबूल है जी सर बिल्कुल ईमानदार जी सर बिल्कुल सही कहा सर आपने बाकी सबने एक कैरेक्टर है जो अपने काम के साथ ईमानदार है अपनी जिंदगी के साथ ईमानदार है जिनके साथ काम कर रहा है उनके लिए भी ईमानदार है लॉयल अगर वो किसी को भी मारता है तो वो उसका प्रोफेशन है बाकी गलत काम किसी को मार के भी वो खुश नहीं होता कभी सर बिल्कुल बिल्कुल जो मेरे डायरेक्टर थे वो मेरा कैरेक्टर इस तरह से मुझे ब्रीफ करते थे सेट पे कि मकबूल जो है वो किसी को अगर मार भी रहा है तो मार के वो बहुत खुश नहीं है किसी को तो आपके फेस पे मतलब ऐसी कनिंग स्माइल भी नहीं आएगी कनिंग स्माइल नहीं आएगी कि आप बहुत खुश हो मार के आपने बहुत बड़ा काम कर दिया वो आपका प्रोफेशन है वो आपको करना पड़ रहा है आपकी मजबूरी है इसलिए आपने मार दिया बाकी आपको खुशी नहीं है वो सब करके गलत काम करके आप खुश नहीं हो तो वो उस तरह का कैरेक्टर है मतलब मकबूल देखा जाए तो महाभारत का संजय है जी बिल्कुल पूरी महाभारत को देखता है जी बिल्कुल सर बिल्कुल तो पूरी मिर्जापुर में क्या हो रहा है बाबूजी क्या कर रहे हैं कालीन भैया क्या कर रहे हैं क्या नाम अली फजल क्या कर रहे हैं गुड्डू बबलू क्या कर रहे हैं तो वो सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है कौन कैसा है कौन कहाँ खड़ा है वो सबको नोटिस करता है मकबूल तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो हाँ सर और बाकी सब कैरेक्टर्स ने कालीन भैया को धोखा भी दिया लेकिन मकबूल ने कभी कालीन भैया को धोखा नहीं दिया मकबूल ने कभी नहीं दिया हाँ सर मकबूल ने कालीन भैया को भी धोखा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत लॉयल है अपने काम सर आपका कोई फेमस डायलॉग बताइए मकबूल का जो हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है मकबूल का कोई फेमस डायलॉग सर मकबूल का प्लीज सर डायलॉग तो मेरे अभी कोई दिमाग में नहीं है बस वो एक बार उनके गुड्डू बबलू के घर पे आता उनको उठाने के लिए कालीन भैया बुलाए हैं ये डायलॉग आता है हाँ इसे दो मिनट का टाइम दे रहे हैं हम बाहर ओके मतलब दो मिनट में अगर तुम बाहर आ गए तो ठीक है नहीं तुम हम घसीट के उठा के ले जाएंगे वो बड़ा फील वाला वैसा डायलॉग था सर काफी अच्छा लगा डायलॉग आपसे सुन के सर आगे बात करेंगे इस लॉकडाउन में आपका डेली रूटीन क्या है सर जो पहले नहीं था जो अब आप अपना रहे हो कितने बजे उठना कितने बजे सोना या फिर कुछ नई हैबिट आपने अंदर अपने अंदर डाली हो जैसे रीडिंग कुकिंग उठने और सोने में तो मेरे कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है मैं अपनी जिंदगी में वैसे ही हमेशा थोड़ा जल्दी उठता हूँ कोशिश करता हूँ सुबह 6 बजे से पहले पहले सनराइज से पहले पहले उठ जाऊँ ये मेरा अभ्यास रहता है जिंदगी में और सोने की भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी हो सकता है सो जाऊं लेकिन अभी मैं घर पे हूँ फैमिली के साथ हूँ यहाँ पे बॉम्बे में अकेला रहता हूँ मैं और यहाँ पे फैमिली के साथ हूँ तो थोड़ा सा कभी कभी लेट भी हो जाता है लेकिन सुबह तो मैं अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाता हूँ और रूटीन मेरा वही है कि सुबह उठ करके बॉम्बे में जब होता था तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स का भी मेरे को शौक है तो खेलने चला जाओ वर्कआउट जिम करने चले जाओ या फिर घर पे योगा कर लो प्राणायाम कर लो तो अभी जिम भी है स्पोर्ट्स का भी सारा बंद है तो घर पे मैं उठ के योगा और प्राणायाम कर लेता हूँ अपना ब्रेकफास्ट करके और फिर कुछ घर के काम काजों में थोड़ा सा हाथ बटा देता हूँ फैमिली का जी बिल्कुल सर कुकिंग का भी मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट है आजकल आप मुंबई में हैं या अपने घर टोंक में हैं अभी कहाँ हैं अभी मैं राजस्थान में हूँ जयपुर में सर टोंक में टोंक के पास मेरा लेकिन मेरी आधी से ज्यादा फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई जयपुर तो मैं अभी जयपुर सर मैं भी राजस्थान से ही बिलोंग करता हूँ भिलवाड़ा जिले से बिल्कुल आपके नजदीक ओह जी सर भिलवाड़ा जिले से ताल्लुका रखता हूँ सर एक सबसे खास सवाल जो काफी लोगों के मन में है कि मिर्जापुर का सेकंड सीजन कब आएगा इस लॉकडाउन में उसका आ जाना चाहिए था क्योंकि लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसका जवाब क्या देंगे जरा ये बड़ा मुश्किल सवाल है ये बड़ा मुश्किल सवाल है मेरे को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते रहते हैं एग्जैक्ट डेट तो किसी को भी मालूम नहीं है सिवाय अमेजोन के और शूटिंग उसकी पूरी कंप्लीट है और काफी टाइम से हमें सुनने को मिल रहा था कि जून जुलाई में वो लोग रिलीज करेंगे
जुलाई में रिलीज हुई, जून जुलाई में वो लोग शूटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी बहुत डबिंग उसकी बाकी है। मेरे ख्याल से अगर डबिंग हो जाती थी तो ये भी बहुत बेस्ट टाइम था, लॉकडाउन में लोग घर बैठ के उसको अच्छे से देख सकते थे, टाइम था लोगों के पास, तो ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टाइम था ये। अभी पंकज सर जो कालीन भैया, कालीन भैया भी मुझे एक दिन जब बात हुई तो वो ये बता रहे थे कि यार ये सबसे अच्छा टाइम था, अभी रिलीज करना चाहिए था, लेकिन आई थिंक दे आर नॉट रेडी फॉर रिलीज, कि थोड़ी बहुत डबिंग भी उसकी बाकी है। और जून जुलाई शायद इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि शूटिंग तो काफी टाइम पहले ही हो गई, ऑलमोस्ट हो गया 8-9 महीने शूटिंग कंप्लीट हुए तो। बट पहले ये था कि जून जुलाई जो है वो अमेजोन प्राइम का कुछ प्राइम टाइम है, जून जुलाई में वो कभी लॉन्च हुआ था शायद मेरे ख्याल से, मुझे पूरा पता नहीं है, तो उसको वो एज अ सेलिब्रेशन मनाएंगे एक महीना, उस सेलिब्रेशन में मिर्जापुर को लाएंगे क्योंकि मिर्जापुर अमेजोन का बहुत बड़ा शो है। मिर्जापुर टू के अंदर जुलाई का जी, मिर्जापुर टू के अंदर भी मकबूल का किरदार उतना ही है जितना मिर्जापुर वन के अंदर था, पूरी सीरीज के अंदर सारे एपिसोड्स के अंदर जी उतना ही है अभी फिलहाल तो। कुछ नयापन, कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर कुछ वो खुद ही कालीन भैया को टेक ओवर करके खुद बन जाते ऐसा कुछ, अभी वो सब जानने के लिए आपको सीजन टू देखना पड़ेगा, हम लोगों को परमिशन नहीं है उसके बारे में बात करना, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस बारे में, सीजन टू के बारे में, बट आई एम श्योर कि आप बहुत इंजॉय करेंगे उसको, सीजन वन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सीजन वन से ज्यादा बहुत इंजॉय किया हम लोगों को, सीजन टू शूटिंग करके इतना मजा आ रहा था कि यार इतना सस्पेंस, मतलब कमाल, वो बहुत राइटर जो है वो पुनीत सर है उसके राइटर, वो बहुत ही कमाल लिखते हैं, फिर डायरेक्टर कमाल है, वो ऐसा शूट कर देते हैं, हमसे काम करवा लेते हैं, तो ऑल ओवर फैंटास्टिक। सर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको यूपी का एक्सेंट पकड़ने में कितना टाइम लगा, क्योंकि एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है किसी भी तरह की लैंग्वेज को। नहीं मेरा एक्सेंट वैसा नहीं है, लेकिन अभी सारे एक्टर वो यूपी टच बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनके आ जाता है, काफी ये चलन के अंदर है आजकल, यूपी बिहार की जो लैंग्वेज है बॉलीवुड के अंदर काफी चलन के अंदर है, काफी सारी मूवीज वो काफी चल रही है, और फिर सारे ही लोग वहाँ पे वही बोल रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत हो जाता है। जी सर बिल्कुल हाँ, तो बहुत मुश्किल नहीं है, और थोड़ा सा फिर एज एन एक्टर इतना तो काम करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी दो दिन पहले ही इरफान खान सर हम सबको अपनी यादों के साथ छोड़ के चले गए, यार वो बहुत बहुत बुरी खबर है, इरफान खान साहब टॉक से ही है, पता आपको हमें बताया टॉक से ही है, वो टॉक से ही है, और सच में पूछो तो मेरे लिए वो आइडियल थे। जी बिल्कुल, मैं बॉम्बे जाने से पहले उनको सोच के ही बॉम्बे गया था कि नहीं हमारे गांव से मेरे जिले से इरफान खान सर भी हैं तो वो जा गए हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता, मतलब मेरे मन में भी ऐसा था, और वो इंस्पिरेशन थे, मतलब वो आपने देखा ही उनका काम, तो उनकी एक्टिंग जो थी वो इतनी रियलिस्टिक थी कि डायरेक्टर उनको बोलता था कि आप थोड़ी और सुपर, मतलब मेरे को सबसे ज्यादा फेवरेट एक्टर थे वो। सर बिल्कुल, मुझे भी हर फिल्म में अलग रोल, हर फिल्म में अलग शेड, अलग किरदार, अलग तरह की परफॉर्मेंस, मतलब पता नहीं हो तो मतलब कूट कूट के भरी थी उनके अंदर एक्टिंग, तो बहुत ही मोस्ट टाइम हॉलीवुड के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले एक्टर थे वो, इंडिया को मोस्ट ऑफ टाइम हॉलीवुड के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले एक्टर थे, बहुत मतलब फाइनेस्ट एक्टर को दिया इंडस्ट्री ने, बहुत बड़ा नुकसान है इंडस्ट्री का वो, रियली पूछो तो, और मैं तो लिटरली मैं तो पर्सनल रोया हूँ बहुत, कि बहुत मतलब नहीं कह सकते यार क्यों ऐसा हुआ, ऊपर वाले ने पता नहीं मंजूर था, बहुत गलत हुआ। आपने कभी उनके साथ स्क्रीन शेयर की या फिर कभी पर्सनली उनसे मिले हैं किसी तरह कुछ वार्तालाप? मैं पर्सनली तो इनसे दो बार मिला हूँ, पर्सनली मैं उनसे दो बार मिला हूँ, एक बार तो मैं जब गया ही था बॉम्बे गया था मैं 2003 में, तो 2003 में मैं गया, 4-5 की शायद बात है, एक फिल्म थी 7.5 फेरे उनकी जिसमें हीरोइन क्या नाम चावला, क्या नाम उनका, जूही चावला उनमें हीरोइन है उसमें और वो हीरो थे, तो उसके सेट पे मैं मिला था। फिर 2006-07 में एक फिल्म शुरू हुई थी, उसका टाइटल भी डिस्क्लोज नहीं किया था, जिसमें इरफान सर थे और सनी देओल साहब थे, उसमें एक कैरेक्टर के लिए मैं भी गया था, और हम लोगों ने 7-8 दिन शूटिंग भी की थी पुणे साइड में, पुणे से आगे जाके उर्ली कंचन एक जगह है पुणे से आगे, वहां पे 7-8 दिन शूटिंग भी की थी साथ में, वो मेरा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस था,
बंद हो गई, वो फिल्म रुक गई कुछ सेट पे, कुछ एरी स्टॉप हो गई वहीं पे, वो आगे बनी नहीं फिल्म पर। आपको कैसा लगा उनके साथ में कुछ कुछ वक्त तक काम करके? मैं बता रहा हूं, वो एक्टिंग का भंडार थे वो जी, बिल्कुल रियली वो खजाना था एक्टिंग का। ऐसे ऐसे कलाकार मतलब 2000-2007 में एक बार पैदा होते होंगे। जी, और आपके टोंक जिले से एक और फेमस सेलिब्रिटी है खलील अहमद, क्रिकेटर है वो। मैंने नाम सुना उनका काफी, लेकिन मैं मिला नहीं कभी, मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे कभी। वो क्रिकेटर है सर, काफी अच्छा खेलते हैं वो, इंडिया टीम के लिए भी खेल चुके हैं, अभी भी वो खेलते हैं, सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हैं आईपीएल के अंदर। मतलब टोंक जिले से काफी सारे डायमंड्स इंडिया को हमें मिल रहे हैं काफी, जैसे आप भी हैं, इरफान सर हुए, खलील अहमद हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ये सब आपकी दुआएं हैं सर। सर आप बिल्कुल सर, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लॉकडाउन के बारे में या फिर किसी और चीज के बारे में? लॉकडाउन के लिए ना सभी को कहना चाहूंगा कि प्रशासन के आदेशों का पालन करें, घर में रहें, हेल्दी रहें, अच्छा अच्छा खाएं, खूब अच्छे से एक्सरसाइज करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें। और इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है कि हाँ ठीक है, जो हमारे देश पे पूरी दुनिया पे जो आपदा आई है लॉकडाउन की, वो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है और बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिव ले गए तो ये भी है कि जब जब भी दुख तकलीफ आपदा या संकट जब आता है, तो आप ये मान के चलो कि नेचर, भगवान, ईश्वर जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने ये दुनिया रचाई है, वो कुछ ना कुछ बदलाव चाहता है। जब जब भी संकट, तकलीफ, आपदा या दुख की घड़ी आती है, तो हम लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ बदलाव चाहता है जिंदगी में। और जब भी दुख या तकलीफ आती है, तो अगर हम उसको सही मायने में पॉजिटिवली सोचें, तो ये मानो कि वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, कुछ ना कुछ सीख दे के जाएगा। एक आदमी बीमार होकर हॉस्पिटल में भी जाता है ना, तो वहां वो फील करता है कि नहीं यार, हेल्थ ही सबसे बड़ी चीज है, आगे से हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, गलत चीजों से दूर रहना चाहिए, वहां वो सीख देता है। और आदमी हॉस्पिटल में जब छोटी सी बीमारी को भी लेके जाता है, तो वहां भगवान से एक ही प्रे करता है कि हे भगवान, मुझे हॉस्पिटल से निकाल दो, मुझे स्वच्छ कर दो, मुझे ठीक कर दो, सब कुछ ले लो मेरे से। तो वहां ये आदमी ये रियलाइज करता है कि नहीं यार, सेहत जो है, हेल्थ जो है, शरीर है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो वो भी एक सीख है। तो जब जब भी दुख आता है, तकलीफ आती है, आपदा आती है, तो मतलब नेचर कुछ ना कुछ बदलाव चाहता है। हम कुछ तो गलत कर रहे हैं जिंदगी में, और सही मायने में देखा जाए तो बहुत गलत कर रहे हैं। हमने नेचर को बर्बाद कर दिया, हम भगवान से भी ऊपर बना के बैठ गए अपने आप को। ऊपर वाले की परवाह ही नहीं है, भगवान जो भी एक शक्ति है, किसी ने नहीं देखा भगवान कौन है, कैसे हैं, किस तरह के दिखते हैं, लेकिन कोई तो ऐसी पावर है जो इस यूनिवर्स को चला रही है, इस सृष्टि को चला रही है, इस दुनिया को चला रही है। हवा चलती है, धूप आती है, रात होती है, दिन होता है, बारिश होती है, कोई तो ऐसी पावर है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो इन सब चीजों को हैंडल कर रही है। हम उसी को भूल बैठते हैं, नेचर की पूरी धज्जियां उड़ा दी हम लोगों ने। दुनिया भर का पॉल्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की गलतियां हैं जिसकी वजह से हम लोग ये भुगत रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। तो हमें अपने आप में सुधार करना चाहिए, नेचर से प्यार करना चाहिए, नेचर को संभालना चाहिए, उस पावर को, उस शक्ति को मानना चाहिए कि कोई है। हम अपने आप को भगवान ना समझें, हम अपने आप को सुप्रीमो ना समझें कि हम ही सब कुछ हैं। तो इसको पॉजिटिव लो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो आया है वो जाएगा। हमारे दादा आए, हमारे फादर आए, हमारे मदर फादर आए, फिर हम आए, बारी बारी सब जा रहे हैं ना,
कोरोना है तो ये भी जाएगा, इसमें क्या है, ये थोड़ी रहेगा यहाँ पे, ठीक है तो उसको पॉजिटिव लो, ठीक है। एक महीना अगर आपको घर में भी रहना पड़ रहा है, एक महीना दो महीना, तो ठीक है ना। जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब घर में एक दिन भी रहने को टाइम ही नहीं मिलता। आज मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो साहब बच्चन साहब हैं या जो बड़े बड़े स्टार अक्षय कुमार हैं या सलमान खान है या शाहरुख खान है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपना करियर जो भी फिल्मी करियर उन्होंने शुरू किया उसके बाद से वो कभी दो महीने घर में फैमिली के साथ रहे होंगे या उनको इतना टाइम मिला होगा। तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो, ठीक है। कुछ तकलीफ होती है, तकलीफ उन लोगों को होती है कि जो डेली वर्कर्स हैं, रोज का कमा के रोज खाते हैं, वो इंडस्ट्री में भी ऐसे हैं जो मतलब एक्टर्स में भी देखो तो पर डे के हिसाब से जो काम करते हैं उनको तकलीफ है। लेकिन अब ईश्वर को या भगवान को तो हम लोग नहीं कर सकते ना, उनको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ। ये तो सुख और दुख तो जिंदगी का एक पार्ट है, दुख है तो कल को सुख है, फिर सुख है तो फिर उसके बाद दुख है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, वो वाली बात है। तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल होगा। और यही है कि इसको बड़े प्यार से और संभाल के ध्यान रखते हुए टाइम को निकाल दें सब लोग, प्रशासन का पूरा सहयोग करें। देख सुनने में आता है, रोज न्यूज में आता है कि कोई डॉक्टरों को पत्थर मार रहे हैं, कहीं कोई पुलिस को पत्थर मार रहे हैं, निकल कहीं से भाग रहे हैं इधर से उधर, ये वो सब। और अच्छे और बुरे लोग तो हर सोसाइटी हर समाज में है, ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम बुरे हैं या सारे हिंदू अच्छे हैं या सारे हिंदू बुरे हैं सारे मुस्लिम अच्छे हैं, अच्छे और बुरे सभी लोग हैं। तो हम यार हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहे सारे आपस में भाई हैं, तो सब मिलके रहे, सब प्यार से रहे। तो यही है मेरा सबसे कहना कि जो भी टाइम है उसको हंस खुश के निकाल दो और थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, घर के कामों में हाथ बटाओ, फैमिली के साथ रहो। सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि कमेंट आया सर भी, मकबूल सर जिंदाबाद, मकबूल सर जिंदाबाद जी, सर आप जिंदाबाद रहेंगे, थे हमेशा रहेंगे। आपकी आने वाली मूवीज के बारे में बताइए सर, कौन कौन सी और मूवीज आने वाली है और कौन सी वेब सीरीज आने वाली है आपकी? आने वाली एक तो फिल्म थी अभी सूर्यवंशी, आने वाली थी, रिलीज होने वाली थी 24 मार्च को, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले हो गई। सूर्यवंशी में एक छोटा सा रोल है मेरा, रिलीज हो तो देखिएगा आप। और उसके बाद मिर्जापुर है, फिर मैं एक फिल्म कर रहा था अभी भीमा कोरेगांव करके, उसका शूट किया मैंने, 10-15 दिन शूटिंग की मैंने उसकी, अभी उसका भी काम बाकी है, लॉकडाउन की वजह से अभी रुक गई शूटिंग। फिर एक और फिल्म है बगावत, उसकी शूटिंग लॉकडाउन के बाद जब भी नॉर्मल सारी चीजें होगी तो वो शुरू होगी। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे नॉलेज लेकर। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें ज्वाइन किया, हम फिर से इसी तरह की बातें करते रहेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, जय हिंद, बाय सर। सैल्यूट आपको, हमें इंतजार रहेगा मिर्जापुर 2 का, हमें इंतजार रहेगा मिर्जापुर 2 का, हम फिर से मकबूल को उसी किरदार में देखना चाहते हैं। बहुत जल्दी आएगी मिर्जापुर 2। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू, थैंक यू।